वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब हैरियत से होंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लाइट भी काफ़ी ज़्यादा जा रही है, गर्मी का टेम्परेचर भी काफ़ी है। तो आज हम लोग लेट उठे हैं काफ़ी ज़्यादा, और बच्चे वो गेम्स खेल रहे हैं। ये देखें भैया, हेलो करो व्यूवर्स को, व्यूवर्स को हेलो करो। भैया वो खेल रही है, भैया ब्रेड खानी है, आपने भी ब्रेड खानी है। अच्छा ब्रेड है। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं, ब्रेड एग बनाने लगी हूँ मैं। आप बनाओगे कि मैं बनाऊँ? चलो व्यूवर्स का हेलो करते हैं। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी सब खैरियत से हैं। इन्होंने चले जाने संडे को। मैं आप लोगों का मौसम कैसा है, वहाँ का, बाहर का, पाकिस्तान का, जिस कंट्रियों के मौसम कैसे हैं? हमारे तो यहाँ, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी है, आउट ऑफ कंट्री में तो, बाहर के मुल्कों में तो वो है, ठंड पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। इंडिया का भी कोई हाल ही होगा, वहाँ पे भी हमारा सेम पाकिस्तान जैसा ही है, लोग सारे मरी जा रहे हैं, सवाल जा रहे हैं, कलाम जा रहे हैं। अच्छा कूल वेदर के लिए कि वहाँ पे हम लोग अच्छा इंजॉयमेंट। उधर मरी में भी तो आपको पता इतनी महंगाई है। अच्छा वो बच्चों ने ब्रेड खानी है, सुनील ने ब्रेड और फिर उसने जाना है। आज खाने के लिए क्या बनाना है? शामी बने हुए पड़े हुए, हाँ कल की शामी बनाए हुए हम लोगों ने, देखते हैं अभी गर्मी इतना दिल्ली का। दोनों बेटियों को फ्लू लगा हुआ, फीवर भी है उनको गर्मी की वजह से ना, लाइट भी काफी ज्यादा जा रही है ना, पानी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। आप ना इमली का पानी बड़ा अच्छा बनाती हैं ये ना मेरी बहन जो है ना, हाँ तो आप जरा इनको व्यूवर्स को अपनी रेसिपी बतानी है इमली के पानी की। हाँ बड़ा मजे का इमली का पानी होता है, जो भी खाना खाएगा वो हो जाता है। हाँ सर्दियाँ अच्छी हैं, खाओ सब कुछ खाओ हजम हो जाता है। ये देखे ब्रेड बना रही है, मैं आपको दिखाती, लाइट ऑन कर लो ना। ये देखे ब्रेड बना रही है, मैं आपको दिखाती, ये देखे ब्रेड बना रही है बटर लगा के। इन्होंने संडे को चले जाना है, संडे हो या मंडे, बस खाओ अंडे। अच्छा सर्दियों का मौसम भी हो ना तो भी मजा आता है ऐसे खाने का। हाँ गर्मियों तो भी इसके बगैर, ऐसे के बगैर गुजारा नहीं होता, बड़ा मजा आता है खाने में। सर्दियों में तो हर चीज पसंद, जो भी खाओ। चले व्यूअर्स, कल 12 मई थी और कल के दिन मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, और कल उनको पूरे 18 साल हो गए गए हुए। तो माँ बाप तो चले जाते हैं पर उनकी यादें हमेशा दिलों में रहती हैं, इसलिए मैंने फिर कल बहन ने कल चले जाना था, परसों चौथ कल परसों भी उसका दिल कर रहा था जाने को, मैंने कहीं तू रहने दे। तो 12 मई आ रही है और एक ऐसा दिन होता है जो बड़ा गमज़दा दिल को कर देता है और दुखी कर देता है मेरे दिल को ना। मैंने कहा चल तू रह जा ज़रा, मुझे तेरा होता है कि तू मेरे पास है तो तसल्ली होती है एक ना। माँ बाप नहीं भूलते, माँ बाप नहीं भूले जाते हैं, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया के हर चीज़, हामन भी मिल जाते हैं, मर्दों को बीवियाँ भी मिल जाती, सब कुछ मिल जाता है पर माँ बाप नहीं मिलते। तो बड़ी कल मैं सैड थी, दुखी थी कि अम्मी को गए हुए पूरे 18 साल हो गए हैं गए हुए, 2004 में उनकी डेथ हुई थी और अब्बू की 18 मई को हुई थी 2018 में, तब मेरी बेटी होने वाली थी। तो आई 18, ये भी माँ बाप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हस्ती चीज़ होती है, माँ बाप के बगैर दुनिया भी, माँ बाप को हो ना, तो आपके सब रिश्तेदार भी आपको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। खैर मैं व्यूवर्स, बेटी मेरी रो रही है, मैं एक मिनट आती हूँ।
सुनील आवाज़ दे रहे थे इसको, छोटी को पकड़ लो, ये बड़ा तंग करती है हमें। ये अभी माशाल्लाह होने वाली है इस मंथ 15 को, 8 माह की ना। कहती है अब ये 8 माह की होगी, कहती मुझे नीचे उतारो। है नीचे उतार रहे हैं आपको, ओए ओए चतरे जाओ। बड़ी बड़ी बैठी हुई है वो, देख रही है अपने बाबा के साथ मोटू पट्टू। हाँ इनको फ्लू हुआ है, हाँ रात को इनको मैंने पैनाडोल दे दिया था। हाँ हाँ पैनाडोल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अरेनिक भी बहुत अच्छा सिरप है बच्चों के लिए, फीवर फ्लू और कफ के लिए ना बहुत अच्छा है। मेरा भी ऐसे गला थोड़ा सा ना खराब लग रहा है, और ठंडा पानी पीते रहे। तो कल ना मैं और सुनील गए कल बाय, हमने ना गोला बर्फ खाया माल रोड पे, बड़ा टेस्टी था माल रोड पे रात को ना। मेरा दिल करे पहले मैं वीडियो बना लूँ, अच्छे चलो रह देंगे। बड़ा मज़े का गोला था, और हम लोगों ने वो दीदी नहीं उससे बड़ा अच्छा टेस्टी बनाया था, उससे वो कॉकटेल्स भी डाले थे, पाइनएप्पल भी डाला था। हाँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी था उसका। और कहाँ हम लोग अपने बचपन में खाते थे, हाँ कहाँ हम अपने बचपन में खाते थे 5 रुपए का, अब 100 का मिलता है गोला। बहुत ज्यादा बन गई ब्रेड। अच्छा मैंने इसको कल के शामी कबाब बने हुए, आज कुछ ना बनाऊ, गर्मी इतनी है, खाया इतना जाता नहीं है। तरबूज कटा हुआ पड़ा, मैं उसका जूस बना लूंगी। ये देखो कितना तंग कर रही है, कितना तंग कर रही है हमें। जैसे बड़ी हो रही है हमें तंग कर रही है, बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है, मैं बहुत तंग करती है ये। हाँ नहीं जो मैं खाती हूँ वो ही, मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है। हाँ बना दो मुझे। गाइस हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारा चैनल भी कामयाब हो। आप लोगों को वैसे तो हमारा चैनल कामयाब होना है, हाँ, और आपकी दुआओं की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से हमारा चैनल कामयाब है। सबको इस चैनल को प्यार करें, आप सब इस चैनल को प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को ग्रो करें जितना भी हो सके। हाँ कामयाब करें, सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी बढ़े हमारे भी। आप ही हमारी फैमिली है और हम भी आपकी। हाँ चोना मैं इसके साथ खेल रही हूँ। चोना ये देखो चोना कैसे हो गया मेरा बेबी, मेरा बेबी एच उपल होगा मेरा बेबी। बच्चों के साथ एक तो गर्मी बढ़ी है, एक तो बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है वीडियोस बनाना भी, ये तंग बहुत करते हैं। हाँ ओए मोना जी मेरा, मेरा कार पे कॉफी ही ज्यादा रखा हुआ है। रात को मैं और सुनील लेके आए थे तरबूज का जूस। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, सॉरी तरबूज का जूस थे, तरबूज लेके आए थे। वैसे है बड़ा मजे का बनता है। हाँ ये सारा मैं डाल रही हूँ इस पे ना, ब्लैक सॉल्ट आ रहे आइस वाले, ठंडा आइस बाद में डाल दूँ, मैं बाद में जग में डाल दूँगा। साथ साथ मैं खा भी रही हूँ, एक पीस मुझे भी लेना। बस थोड़ा नीचे नहीं डाल, मैं डालूँगी हाफ कप पानी डालूँगी।
बस ऑलरेडी इसमें पानी ही तो है, ये कि चित्रा ग्राइंड हो जाएगा। सॉल्ट डाल दे, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। और ये 5-25 हो गए अभी तक। हाँ। देख इस कैसे जैसे ऊपर ही है सूरज, बड़ी गर्मी है आज। हाँ बहुत जल्दी, देख मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही, बड़ा मजा आता है। वो व्हाइट वाला जग ले लो ना। इमली भिगोई है आपने? इमली भिगो दी है आपको? भिगो भी ठहर के बना। ये देखिए गाइस, साथ वॉशिंग मशीन लगा दी है। लगा दी वॉशिंग मशीन? मैं ज़रा कपड़े बच्चों के डेली के पहनने वाले होते हैं, ये देखिए ज़रा कपड़े वॉश हो जाएंगे तो चलो रूमों में रखो तो ड्राई हो जाते हैं। थोड़ा सा और कर, और निकाल थोड़ा। हाँ अब सॉल्ट ना डालना। अच्छा ठीक है, क्यों ऑलरेडी इसमें है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अच्छा कमी पेशी हो तो फिर चलो बना डालना। बच्चों को इसलिए देते, वो पानी बहुत यूज़ करते हैं पीने के लिए, तो आजकल मौसम इस तरह का है कि हाँ बच्चे पानी ना पिए तो चलो वो ठीक है। इस फ्रूट का ख्याल भी रखना पड़ता है, एक खरबूजा और एक तरबूज। वो डाल लो, इसके नीचे हो जाना है। चलो खैर है, इसको पहले निकल रहा, निकल रहा इसका पानी आ रहा है। वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक, वो देखो पानी बन रहा है, वो देखो। ये देखें, ये जूस बना लिया मैंने, अब इसको आइस डाल दिया और ठंडा ठंडा यमी यमी करके पियेंगे। ओके गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।